मित्र ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स पर आपका स्वागत है। हमारे तीन चैनल है EduTechno Mitra, एमडी मित्रा, एडूलॉ मित्रा। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना, शेयर। आज हम ये एक बहुत ही दुख भरी खबर आप लोगों के नोटिस में डाल रहे हैं। ये जो अपना मोरबी में 6:40 पर जो ट्रेजिडी हुई है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी है। और ये ऐसी ट्रेजिडियां बार बार हो रही है, हो रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आप पूरी वीडियो पूरे पेशेंस के साथ देखना, हेल्पलाइन नंबर भी बताएंगे। आपका कोई रिलेटिव जान पहचान वाला अगर वहां फंसा हुआ है तो उस हेल्पलाइन नंबर से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये 30 अक्टूबर को 6:40 ये ट्रेजिडी हुई है। ये 143-year-old सस्पेंशन जुल्टो ब्रिज था। हालांकि इसको अभी रिसेंटली रिनोवेट किया गया था। जो मच्छू नदी है उसको क्रॉस करने के लिए ये ब्रिज था, ये सस्पेंशन केबल ब्रिज था। और थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है ना उसके ब्रिज के ऊपर थे जब ये हादसा हुआ। काफी भीड़ थी और एटलीस्ट ये क्लब्स हुआ है तो 68 लोग इस वीडियो के बनाने तक मारे गए हैं और 500 लोग गायब हैं और 100 लोग जो है ना सीरियसली इंजर्ड। ये एक बहुत ही दुखद घटना है और ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। हम इसका कारण भी बताएंगे, ऐसी घटनाएं क्यों होती है और प्रशासन को क्या करना चाहिए। ये मैं आप लोगों के सामने कुछ इंसिडेंट जो विकिपीडिया से हमने प्रिपेयर किया लिस्ट है और इंसिडेंट्स के बारे में बताएंगे। जो एक हादसा हुआ था 2013 कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल में पड़ता है ये। और ये जो है 6 साल के अंदर तीसरा ब्रिज क्लैप्स था इन 6 ईयर। और दूसरा हादसा हुआ था जो स्टील स्पैन का था, अंडर कंस्ट्रक्शन था ये, विवेकानंद रोड फ्लाईओवर था और स्टील का था ये, अंडर कंस्ट्रक्शन था ये, 2016 में क्लैप्स। ग्रीस पार्क है कोलकाता का, वेस्ट बंगाल में उसके नजदीक। इसमें 27 लोग मारे गए और 80 लोग इंजर्ड हुए। ये स्टैम्पेड ब्रॉक नंबर 3 पे है। सब अर्बन फाइन स्टाउन रेलवे स्टेशन इन मुंबई। ये तीसरा हादसा मुंबई में हुआ जो कि 2017 के अंदर हुआ था और 23 आदमी इसमें मारे गए थे और 39 आदमी इसमें घायल हुए। और एक फिर जीके गोखले 4 नंबर पे है, जीके गोखले रोड ओवर ब्रिज इन अंधेरी हेड कोलैप्स, ये कोलैप्स हुआ था 2017 में। और इसकी फिगर भी विकिपीडिया पे दी हुई नहीं थी इसलिए हम इसकी फिगर नहीं बता पाए। 5वां हादसा हुआ कोलकाता में ही, मेजर हाई ब्रिज क्लैप्स इन सिटी ऑफ कोलकाता इंडिया, ये 2018 में हुआ और 3 आदमी मारे गए और 25 सीरियसली इंजर्ड। उसके बाद ये 6ठा हादसा एक पार्ट ऑफ ए कुटोर ब्रिज कनेक्टिंग नॉर्थ एंड ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन टू बदरुद्दीन तैयब जी मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, ये महाराष्ट्र में हुआ था और ये 2019 में हुआ। इसमें 6 लोग मारे गए और 30 लोग घायल हुए। और अभी ये सस्पेंशन ब्रिज का जो 30 अक्टूबर को 6:40 पर हुआ गुजरात में, इसमें जो है ना 68 लोग वीडियो बनाने तक के मारे जा चुके थे और 100 जो है ना सीरियसली इंजर्ड। लोगों की तलाश जारी है, प्रशासन पूरा मुस्तैद है, आरएसएस भी गई हुई है और गुजरात के चीफ मिनिस्टर मौके पर। प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर बहुत खेद जताया। ये एक उसका फोटो है जो सस्पेंशन केबल ब्रिज जो कोलैप्स हुआ है और काफी लोग केबल को पकड़ के इसमें नदी के अंदर ही गिर गए और जिनके हाथ में केबल नहीं आई वो ऊपर से इसमें छलांग लगा। लोगों की तलाश जारी है, 500 के आसपास लोग लापता है। ये उसका एक फोटो हमने आपको शो किया हादसे के बाद। और इस हादसे की जानकारी लेने के लिए हम आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर भी दे रहे हैं जो कि नंबर है ये 0822243300। इस पर आप अपने नियर एंड डियर की जानकारी ले सकते हैं। अभी वहाँ क्या मुस्तैदी प्रशासन काम कर रहा है और लेटेस्ट जानकारी क्या है, लोगों को क्या इमदाद दी जा रही है और अभी क्या पोजीशन। अब हम बताएंगे कि ऐसे हादसे बार बार क्यों। ये पुलों के ब्रिज जो है ब्रिज का रख रखाव इंजीनियर्स लोग के हाथ में होता है, जो कंसल्टेंट होते हैं इंजीनियर होते हैं। और पीछे काफी सारे कम से कम लाखों इंजीनियर जो ऐसी यूनिवर्सिटी से डिग्री करके आए थे, डिप्लोमे करके आए थे, जो ना तो AICTE से
सिलेबस अप्रूव था और ना ही यूजीसी से उन यूनिवर्सिटी को कॉलेज को मान्यता दी, यानी नॉन अप्रूव्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो कि यूजीसी से मान्यता लेनी होती है, ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी थी, डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, जिन्होंने अपने इंजीनियरिंग सिलेबस को AICTE से भी नहीं अप्रूव कराया था। ऐसे जो है ना मिलियन इंजीनियर लगे हुए थे ऑल इंडिया डिफरेंट डिपार्टमेंट में, जिनके हाथों पुलों का, सीवर का, OHSR है और मेजर वर्क्स है इंजीनियरिंग, उनका सुपरविजन और उनका जो है ना रख रखाव उनके हाथों में। तो काफी सारी हाई कोर्ट्स ने उनके प्रमोशन और अपॉइंटमेंट पर रोक लगाई हुई थी, जिनकी अपील चल रही थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विचाराधीन थी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बंच ऑफ अपील्स, तो कम से कम सैकड़ों से ज्यादा, उसको एक ही कॉमन जजमेंट द्वारा जो 3 नवंबर 2017 को दिया गया, उसके अगेंस्ट जो फेक डिग्री होल्डर्स इंजीनियर लगे हुए थे उनकी अपॉइंटमेंट और प्रमोशंस को जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने डिनाई कर रखा था, उनको रेगुलेट कराने के लिए एक जजमेंट पास किया। उस जजमेंट के द्वारा अथॉरिटीज को ये डायरेक्शन दी थी कि जितने भी इंजीनियर लगे हुए हैं इनको आप टर्मिनेट करो और अगर प्रमोशन किए हैं तो उनको रिवर्ट करो अगर उनकी अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन सही है। ऊपर टर्मिनेट करने थे जिनकी बेसिक क्वालिफिकेशन ये फेक डिग्री थी और किसी ने डिप्लोमा ओरिजिनल कर रखा था, बाद में ये डिग्री फेक ली, तो उसको रिवर्ट करना। लेकिन ऑल ओवर इंडिया किसी भी डिपार्टमेंट ने ना किसी को टर्मिनेट किया ना किसी को रिवर्ट किया। और इसके साथ ये डायरेक्शन दी थी कि UGC और कंसर्न स्टेट की IIT या NIIT ये इनका एक टेस्ट ली, और अपनी ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने एक जजमेंट दिया था 2008 CPLI के अगेंस्ट करतार सिंह वर्सेस स्टेट, तो उसमें ये कहा था कि ऐसे इंजीनियर्स के हाथों में इन मेजर वर्क्स का देना पब्लिक की जान और माल के लिए खतरनाक है। उसकी भी अपील इसी जजमेंट द्वारा 3/11/2017 में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट दिया के द्वारा डिस्पोज ऑफ की गई, और उनका एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेने के लिए कहा था, जिसकी मॉडलिटी NIIT थी जो स्टेट की, उन्होंने बनानी थी, और उसके बारे में मैं अगली सीट पे आपसे डिस्कस करूंगा। अब ये स्ट्रेटेजी थी, ये बनानी थी जो भाई उनका टेस्ट लो, पहले उनको रिवर्ट करो टर्मिनेट करो, फिर उनका लो टेस्ट, और उनको आप लोगों ने 3 चांस देने, और सिलेबस कैसा होगा और पेपर कैसा सेट होगा उसको जो NIIT की स्टेट की उन्होंने तैयार करना था UGC की कंसल्टेशन के साथ, टू वैलिडेट देयर डिग्री इन रेफरेंस ऑफ जजमेंट डेटेड इतनी जो के टेस्ट को पास कर ले, पास आउट कैंडिडेट उनकी डिग्री को वैलिडेट कर दो और नहीं तो फिर उनको बर्खास्त कर दो अगर 3 चांस में टेस्ट पास। पहली बात तो जो 40 पेपर्स होते हैं जूरी के, काफी लंबा सब्जेक्ट होता है वो, 3-4 साल में 4 ईयर्स में इंजीनियर्स को पढ़ना। अब 40 सब्जेक्ट उनको आप एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट से पास कराना चाहते, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और 100 मार्क्स का ये IITs ने ये मेथडोलॉजी बनाई, IIT ने ये जो है ना मेथडोलॉजी बनाई और उन्होंने करा जो टेस्ट था टेस्ट को कर दिया 300 मार्क, यानी 300 क्वेश्चन 1 मार्क ईच, और 100 का था प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल लेना था किसी भी जो कॉलेज अरेंज करेगा या यूनिवर्सिटी अरेंज करेगी, जो टीम होगी 2 आदमी वो जो है उनका प्रैक्टिकल लेगी या किसी में 1 ही आदमी। अब इसमें ये देखो कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नो नेगेटिव मार्किंग। अब इसको आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको बड़े से समझाऊंगा ये क्या सब गड़बड़ ज्यादा किया NITs ने और डिपार्टमेंट्स ने। 300 टेस्ट कोई नेगेटिव मार्किंग, एटलीस्ट 25% ऑप्शन होती है A, B, C, D, E, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और इधर 100 का प्रैक्टिकल था। मान लो मैं सारे ए और क्वेश्चन All answer A, B, C, D, यानी कोई भी ऑप्शन भराया मैं 300 के 300, उससे कम से कम 25 300 रखा मैं तो 75 होगी एक ऑप्शन। अब 75 एक ऑप्शन के होने से 75 नंबर तो यही आ गया आपके सारे ऑप्शन सिमिलर लगाने क्योंकि कोई नेगेटिव मार्क, और ये थे 100 नंबर प्रैक्टिकल लेने वाले के हाथ। इसमें आप मैनेज करके
लोगों ने 95 से 98 तक नंबर लगवा लिए। अब 75 तो वे हो गए और ये 95 ही मान लो 5, 10, 9, 7, 16, 170 मार्क्स उनके आ गए और आपका 400 का था और 400 का आपने एडमिट 40% लेना, तो आपने लेने थे 160 मार्क्स। तो इसमें पास होना कोई मुश्किल नहीं था, सारे के सारे एम्प्लॉय पास हो गए। ये तो एक इंजीनियरिंग की स्टडी के साथ मजाक है, ऐसी फेक डिग्री कॉलेज, फेक ऐसे ही कॉलेज और ऐसे ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी से इंजीनियर पैदा करो और उनको फिर एक ऐसे टेस्ट के द्वारा गवर्नमेंट की वहां से जो लड़के पढ़ के आ रहे हैं उनके साथ काफी जॉब थी जो ओरिजिनल डिग्री होल्डर को मिली थी उसको ऑक्यूपाइड कर लिया फेक डिग्री बढ़ा तो प्रमोशन भी ले गई जबकि उनके जूनियर थे ओरिजिनल डिग्री होल्डर बेचारे ओरिजिनल डिग्री होल्डर उनका प्रमोशन का चांस भी खत्म हो डिग्री होल्डर। तो आप ये देखो अगर ऐसे इंजीनियर जिनकी स्टडी पूरी नहीं होगी जिनको कोई नॉलेज ही नहीं होगी वो ऐसे ब्रिजेस का क्या रख रखाव रखेंगे और क्या उसको जो है कंस्ट्रक्शन कराएंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज गिर रहे हैं। लैक ऑफ इंजीनियरिंग है और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है सब उनके साथ मिली भगत है, कोई ऐसा इंजीनियर अच्छा काम नहीं करा सकता कंस्ट्रक्शन कंपनी से ना उसको अच्छे से प्रोवाइड कर सकते, इसी कारण ये हादसे बार बार हो। अब इसमें जो इंक्वायरी होती है इंक्वायरी करेंगे कॉन्ट्रैक्टर की वो फिर इंजीनियर कहेंगे डिजाइन पढ़ता कुछ साल के बाद जो है बरी आ जाएंगे और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो लोग बेचारे मर गए उनके परिवार जो है ना अफरा रहे। ये मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ, मैंने इसी तरह की 9 सितंबर 2018 को भी डाली सिस्टम का इस तरह ध्यान आकर्षित करने के लिए। अब ये जो मेथोडोलॉजी बनाई है NIT से ये टोटली जो है ना टोटली यूजलेस। अब जो 40 सब्जेक्ट पढ़ने थे पूरे डिटेल्स में और थ्योरी का पेपर होना था डिटेल में उनको उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप कैसे पास करा सकते हो जो 4 साल में पढ़ने थे, 4 साल में प्रैक्टिकल भी होते हैं हर सेमेस्टर में, 4 का मतलब है 8 सेमेस्टर होगी आपके, 8 सेमेस्टर में आपके प्रैक्टिकल भी कराए जाएंगे, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनवाई जाएगी। प्रैक्टिकल होने थे 8 सेमेस्टर में और थ्योरी के पेपर देने थे सब्जेक्टिव टाइप, थ्योरी पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप। अब उनको आपने एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट दी जिसमें कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग और फिर प्रैक्टिकल 100। ये तो एक उन डिग्रीज को खाली रेगुलेट करने के लिए भी, और रेगुलर डिग्री होगी आपकी ओरिजिनल होगी, ये काफी बड़ा जो है ना देश को नुकसान हुआ और इस तरह के हादसे ये रहेंगे। इस पार्ट को भी इंक्वायरी का मैटर बनाया जाए कि कौन गिरता है उसको जो इंजीनियर सुपरवाइज कर रहे थे कि क्वालिफिकेशन कहां से एक्वायर की गई, इस तरह का ये भी इंक्वायरी का मैटर होगा। गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छी जानकारी आपको लगी और हम इस तरह की जानकारी देश हित में आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं, इसलिए हमारे तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों बीच में शेयर कर देना ताकि हेल्पलाइन नंबर सबके पास। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जय हिंद।